हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे। साथ में आज मैं आपको ऐसी हेल्दी डिश बना के दिखाऊंगी कि आप लोग हेल्दी हो जाओगे। तो देख लेते हैं कि आज हम क्या बनाएंगे। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी बेसन का चिल्ला, जो बहुत ही हेल्दी साथ में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे आप सुबह के नाश्ते में, बच्चों के टिफिन में, सबसे बड़ी टेंशन होती है मॉम्स को कि हम बच्चों के टिफिन में क्या दें जो बच्चे खा लें। तो ये चिल्ला आप बच्चों के टिफिन में देंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, इसे खाएंगे, लेकिन स्कूल से आके आपको बोलेंगे कि मामा मुझे कल भी टिफिन में वही चाहिए जो आपने आज दिया था। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है। तो ये सबसे पहले मैंने एक बाउल बेसन का ले लिया है। यहाँ बेसन लिया है, यहाँ पे हमने टमाटो काट के ले लिया है, यहाँ पे अनियन काट के ले लिया है, ये मैंने कुछ मिंट पुदीने के कुछ पत्तियाँ यहाँ पे ली है, ये मैंने सूखी पत्तियाँ यूज़ की है। आपके पास ताजी पत्तियाँ हो तो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये हींग लिया है, इसकी चुटकी हम इसमें डालेंगे। ये मैंने चाट मसाला लिया है, इसमें हम कुछ चाट मसाला भी डालेंगे। ये हमने पानी लिया है, ये जितना यूज़ होएगा उतना हम लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं कि इसको कैसे मिलाना है। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं। ये मैंने एक बाउल ले लिया। ठीक है दोस्तों, इसमें हम जो हमने बेसन लिया है वो इसमें डाल देते हैं, साथ में जो हमने टमाटो लिए थे वो इसमें डाल देंगे। जो अनियन लिया है वो भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें जो हमने पुदीने की कलियां पत्तियां ली थी वो डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ हींग डाल देंगे। उसके बाद इसमें जो मैंने आपके सामने दिखाया था कि हमने कुछ चाट मसाला लिया है वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहे तो आप नहीं भी डाल सकते हो। अब हम कुछ नमक डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें कुछ हल्दी डाल देंगे, ये हमने इसमें चिल्ली डाल दी। मैं आपको यहाँ एक बात बता देती हूँ कि मैंने इसमें टमाटो, अनियन, मिंट, बस ये 2-3 चीज़ें इसमें डाली है। आपके बच्चे को जितनी सब्जियाँ पसंद है आप इसमें वो डाल सकते हो। आप इसमें, आप टमाटो नहीं खाते हो तो आप इसमें दही डाल सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है, आप दही भी डालोगे तो। आपका बच्चा अनियन नहीं खाता है मत डालिए। जो जो सब्जियाँ आपका बच्चा खाता है या आपके फैमिली के लोग खाते हैं आप वो इसमें डालिए। इसमें कोई भी सब्जी डाली जा सकती है, बहुत ही टेस्टी बनता है किसी भी सब्जी के साथ। तो चलिए अब इन सबको हम मिला लेते हैं। इसका एक अच्छा सा हम एक घोल बनाएंगे जिससे कि ये देखिए दोस्तों, ये पानी डालने के बाद कुछ ऐसा बन गया है। अभी ये कम है, इसमें हम कुछ पानी डलेगा, इसमें हल्का सा पानी डाल देते हैं। इसमें एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इसमें पानी डालेंगे तो एक साथ से आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसमें 2-2, 3-3 चम्मच आप डालते जाएंगे तब ये ज़्यादा अच्छा बनता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये ऐसा होना चाहिए ना, तो ये बहुत ही पतला होना चाहिए नहीं तो ये आपके तवे पे चिपक जाएगा, ना ये बहुत मोटा होना चाहिए तब ये बीच से पकेगा नहीं। ठीक, तो अब इसको बना लेते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एक तवा, ये हमने तवा ले लिया है। हमने देखो यहाँ पे लोहे का तवा लिया है, आप इसको नॉर्मल तवे पे भी बना सकते हो जैसा आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन ये सभी पे बनता है। मैंने इसीलिए आपको एक सिंपल तवे पे बना के मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि ये ऐसा कुछ नहीं, ये कहीं भी बनता है। इसको हल्का सा सिकने देंगे। उसके बाद हम इसमें, मैंने एक इस टाइप का बना लिया है, एक क्लोथ का, आप किसी हैंग की या किसी क्लोथ से इस टाइप का बना लीजिए ताकि इसमें हम बिल्कुल, क्योंकि हमने इसको हेल्दी बनाना है, हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। ठीक है, इसमें हम बिल्कुल इतना
इतना सा ऑयल लेके, ताकि बस इस पे लगाने लायक हो जाए। बस हमने इस टाइप से लेना है इसको, अब ऐसे लगाएं ताकि ये डिश हेल्दी बने, क्योंकि इस चैनल का नाम हेल्दी है तो मैं आपको हेल्दी ही चीज़ें बनाऊंगी। ये देखिए अब तवा आपका हो चुका है, अभी मैंने गैस बंद की, क्योंकि एकदम से हम इसमें जैसे काफ़ी हीट है एकदम से हम इसमें डालेंगे तो एकदम से वो नीचे से जल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल अभी बंद किया है, जब ये हल्का सा अब ठीक है, जब आपका हाथ इतने नीचे तक जा सके, हालांकि आप इसको ऐसे भी छू सके, तब आप इसमें साथ में हम गैस अब चला भी देंगे। तो अब हम यहाँ से लेंगे, इतना ले लेंगे इसको, इतना इस पे ऐसे, ये कम है तो हम बड़ा बनाना है तो ज़्यादा ले लेंगे, जिसको इसी की हेल्प से इस टाइप से फैला दीजिए। जितना आप साइज में इसको छोटा बड़ा बनाना चाहते हैं उस टाइप से आप इसको फैला दीजिए। गोल शेप देना चाहते हैं आप इस टाइप से, बस ये हो गया दोस्तों, इस टाइप से मैंने इसको फैला दिया है। अब हम इसको एक साइड से पकने देंगे, इसके लिए हम इसमें एक ढक्कन लगा देते हैं, ये इस टाइप का एक ढक्कन आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसको लगा दीजिए। अब हम इसको कोई 30 से 35 सेकेंड इसको बनने देंगे, तब हम इसको पलट के बनाएंगे। ये अब पक चुका है एक साइड से, अब हम इसको पलटेंगे। बस इसका पलटना ही एक मुश्किल हो सकता है आपके लिए। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा बन चुका है। अब हम इसको पलट के इस साइड से भी बनाएंगे। यहाँ आपको कुछ नहीं लगाना है इसमें, इसमें हम कोई तेल नहीं लगाएंगे, बस इसको आपने ढक देना है। बस ऐसे ही आप अब इसको अलट पलट के, दो तीन दफ़ा एक साइड, दो तीन दफ़ा एक साइड, अलट पलट के आप इसको बनाएंगे, जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए, ठीक है। तो तब तक हम देख लेते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। एक तो सबसे पहले दोस्तों आपने इस गोल को बनाते हुए ये देखना है कि ये आपका बिल्कुल इसी टाइप में होना चाहिए। पतला बनाओगे वो नहीं बनेगा, वो एकदम से आपके तवे पे चिपक जाएगा, ठीक है। आप ज़्यादा मोटा बना देंगे गोल तो वो पकेगा नहीं। आपको बिल्कुल यही, बिल्कुल ऐसा ही आपको गोल चाहिए, तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ देख लेते हैं इसका हाल कि क्या है, इसको पलट के देख लेते हैं। इसको अपने ऐसे ही अलटते देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा बन चुका है, ये देखिए कितना यहाँ से पक चुका है। अब हम इस साइड से भी बना, अब ये पक चुका है, अब हम इसको उठा देंगे। ऐसे ही आपने जितने भी बनाने हैं ढक देते हैं, आपको जितने भी बनाने हो आप उस अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। इसमें मैंने जैसे आपको, जैसे मैंने इसमें टमाटो डाले, आप टमाटो नहीं डालना चाहते तो मैंने आपको पहले भी बोला कि आप इसमें दही भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं वो भी आपके तवे पे चिपक जाएगी। साथ में आप दही नहीं खाते हो, नहीं या आपके किचन में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसमें खटाई के लिए एक नींबू भी इसमें डाल सकते हैं। ज़्यादा खट्टा पसंद है एक नींबू, कम पसंद है तो आधा नींबू डाल सकते हो। आपको खट्टा नहीं पसंद है तो आप इसमें कुछ मत डालिए, आप इसमें सब्जियां डालिए जो आपको पसंद हो, ये बहुत हेल्दी होता है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए ये कितना अच्छा, आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा बना है, देखिए वाह, ये इतना टेस्टी बना है कि जब आप इसको बना के खाएंगे, ये देखिए ये बन गया। अब मैं आपको सेकेंड वाला यहाँ बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम वही लेंगे हल्का सा, चिकन लगाएंगे इसमें,
चुका है। बस ये ध्यान देना है आपने कि आपके जो तवे की हीट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप मान लो आपने ऐसे हाथ किया है, आपको बहुत ज़्यादा सेक लगा, इस टाइम ये ज़्यादा है, तो उस टाइम आप इसमें नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे ही आप डालोगे आपके बाद में वो पलटा नहीं जाएगा, वो नीचे चिपक जाएगा, ठीक है। तो जब ये आपका मतलब ऐसा हो जाए तवा कि आप उसको छू सको हल्का सा, उस टाइम आप इस पर बना सकते हैं। अभी मैंने गैस अपनी बंद की है, जैसा आप देख सकते हैं अभी बंद की है, क्योंकि एकदम हम इसको ऐसे नहीं बना सकते। या आप इसको ये देखिए दोस्तों, अभी ये बिल्कुल ठीक हो गया है, अब आप गैस भी चला सकते हो, साथ में आप बना भी सकते हो। ये देखिए जितना बड़ा आपको है बनाना है, छोटा बनाना आप छोटा बना सकते हो। ये देखिए इस टाइप से आपने इसको घुमा देना है, ठीक है दोस्तों। ये जो बच्चा ये क्या बस, ये देखिए ये इस टाइप का बन गया है। अब आप अभी ढक्कन नहीं लगाओगे, मैं ये चीज़ भी आपको बताना चाहती थी, इसमें आपको हल्की हल्के से बबल दिखाई देंगे। ये देखिए आपको दिखते हैं तो एक तो बबल दिखाई देंगे, तो साइडों से बबल हो गए। जब ये बबल उठने लगे उस टाइम आप इस पर ढक्कन लगाइए, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपने जो आपका चिल्ला बना है वह ज़्यादा अच्छा बन पाएगा, उस पर बबल दिखेंगे, वो बहुत ही टेस्टी लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इस वाले चिल्ले को भी देख लेते हैं कि ये कुछ डिमांड की थी कि ये चीज़ बनाओ, या कुछ जो भी कमेंट किए थे तो वो उन्होंने व्हाट्सएप पे किए। तो प्लीज़ आप कोई भी कमेंट व्हाट्सएप में ना देके, जो मैंने अपना हेल्दी चैनल चलाया है उसी में आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। आपको चीज़ अच्छी लगती है, यहाँ भी देख लेते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ पे लिखिए प्लीज़ कि हमें ये चीज़ पसंद आई है। आपको अपने कोई आप कोई चीज़ मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी लिख के दीजिए कि आप ये बना दीजिए, ठीक है। ये देखिए ये कितना अच्छा हो गया, बस अब ये बन चुका है। ये देखिए जो मैंने इसमें पुदीने की पत्तियाँ डाली थी, वो देखिए कितनी अच्छी लगी है। इसकी जगह पे मुझे पुदीना पसंद है, आप इसकी जगह पे धनिया काट के, या आप यहाँ पे अपनी कोई सब्जियाँ जो जो चीज़ें प्याज की कलियाँ मिलती हैं उनको डाल दें तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों। अब ये बन चुका है, अब गैस बंद, इसको उठा देते हैं। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग बता देती हूँ कि कैसे होगी। ये देखिए ये इतना अच्छा है, ये मैंने यहाँ डाल दिया। अब मैंने इसको सॉस के साथ लिया है, ये देखिए मैंने इसको सॉस के साथ लिया है। आप इसको किसी भी चटनी के साथ, ये जो मैंने यहाँ सॉस लिया है ये केचप नहीं है, जो केचप होता है टमाटो, ये मैंने खुद बनाई है। मैं ये भी आपको सिखाऊंगी कि कैसे बनती है। तो ये देखिए ये इस टाइप के बन गए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट ये बनते हैं। ये देखिए कितना अच्छे, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट जिसको बोलते हैं, मुँह में घुल जाने वाले ये चिल्ले बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इनको बनाइए, खुद खाइए, दोस्तों को खिलाइए, फैमिली के लोगों को खिलाइए। साथ में आप नीचे दिए गए लाइक का जो थम्स अप का निशान है उसे दबाना ना भूलें। साथ में इस चैनल पे जितनी भी वीडियो है उन्हें अपने दोस्तों को भी दिखाइए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। ओके, अब मिलेंगे नई डिश के साथ, थैंक यू।